हेलो फ्रेंड, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो देखो, आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नीले कलर की ड्रेस बनाने वाले हैं। जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये बिल्कुल आसान और सिंपल है। तो देखो उसको कैसे बनाना है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखो, मैंने ये बुकरम के पीस पे दो अस्तर लगा लिए हैं। ये मैंने अपनी कान्हा जी की ड्रेस से ऐसे रखते हैं, जैसे मैं प्लेट से रखे कटिंग करती हूँ, तो मैंने अब की बार ड्रेस से बता रही हूँ आपको। तो मैं अपनी ड्रेस के ऊपर रखती हूँ बिल्कुल, इससे हमारी ड्रेस बिल्कुल सही बनेगी। ऐसा नहीं होगा, जितने नंबर की ड्रेस आप अपने कान्हा जी को पहनाते हो तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। अब हमें इसको बराबर भागों में करते हैं, फिर एक बार फिर फोल्ड करना है। अब इसका हमें बीच से कमर कट करनी है। तो कमर के लिए देखो क्या साइज लेना है। तो मैंने 5 से 6 नंबर की कान्हा जी के लिए 1 इंच लिया था। इसके लिए मैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम लूँगी। 1 इंच से हमें बिल्कुल 2 पॉइंट कम लेना है। तो यहाँ पर मैं देखो 2 पॉइंट कम पर निशान लगाते हुए यहाँ से कट कर दूँगी। कट करने के बाद देखो, मैंने यहाँ से बीच में से भी मैंने कट कर दिया है। तो अब हमें ये नीले रंग का नेट का कपड़ा लेना है। इसे हमें यहाँ से नीचे की साइड से बिल्कुल जितना बड़ा हमारा इसका घेरा है इतना ही कट कर लेना है। ये लगाने से पहले मैंने इस पर गोल्डन सिल्वर कलर की गोटा भी लगा दिया है। अब देखो ये मैंने प्लेट डाली हुई है। प्लेट डालने के बाद मैंने थोड़ा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अगर लगाने के बाद हमें कम लगेगा तो हम 1-2 प्लेट और डाल लेंगे। तो देखो मैं इसके ऊपर ऐसे रखती हूँ, इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखो ऐसे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह। ये वैसे पूरा आ रहा है, फिर भी मैंने छोड़ दिया है कि कभी लगाने के बाद, कभी कभी ऐसा होता है सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा कम और ज़्यादा हो जाता है, तो इसे हमें बाद में कट कर लेंगे। तो देखो मैंने करने के बाद जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने कट कर दिया है। अब एक सिलाई हमें ऐसे करते हुए हल्की हल्की जो हमारी प्लेटें हैं उन्हें भी शेप देते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह। सिलाई लगाने के बाद मैं ये वाली लैस लगाने वाली हूँ। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखो ये मैंने लगा दी है। प्लेटें भी कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं इसमें डली हुई। इसके बाद अब मैं ब्लाउज लगाऊंगी। तो ब्लाउज को देखो सबसे आसान तरीका है, अपने ब्लाउज ऐसे फोल्ड करोगे अपने ड्रेस को। इससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, थोड़ा सा सिलाई का थोड़ा सा इसलिए एक्स्ट्रा लेना है कि जब हम ब्लाउज को जॉइंट करेंगे नीचे वाले इस पोर्शन के साथ, तो ऊपर तला ऐसे रखेंगे ना, इस तरह रखते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारे ब्लाउज का देखो बाजू भी अपने आप ही बन जाएंगी इस तरह। अगर आप पहले सिलाई लगाना चाहते हो तो पहले भी लगा सकते हो, पर मैं सिलाई के साथ ही लगाती हूँ। तो देखो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। बिल्कुल मेरी यहाँ से ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार हो गई है कोटी के साथ। अब हमें ये थोड़ी खाली लग रही है तो इसकी डेकोरेशन करनी है। इसके लिए मैंने मल्टी कलर की शीशे वाली लैस है, इसे आप सिलाई से भी लगा सकते हो। तो मुझे जल्दी के लिए मैं आपको हॉट ग्लू गन से लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि हॉट ग्लू गन से भी अच्छी लग जाती है ये शीशे वाली लैस। हमें गोल जो घेरा होता है इसके लिए अच्छी रहती है, बारीक लैस की तरह ये काम कर देती है। ऐसे अगर हम यहाँ पर चौड़ी लैस लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए आप पहले लगा के देखना कि जो इस तरह घूम जाए लगाते टाइम, वही हमें लैस लगानी है। तो मैं इसी तरह देखो इस पर पूरे घेरे पे मल्टी कलर की लैस को लगा दूंगी। इससे मेरी ड्रेस काफ़ी सुंदर लगने वाली है इस तरह। या अब मैं एक बार लगा रही हूँ, अब 2 बार जितनी बार आप अपनी ड्रेस को जितना भी हैवी बनाना चाहते हो इतना हैवी बना सकते हो। तो इसे लगाने से हमारी जो मोती वाली नीचे वाली लैस थी देखो वो भी कवर होती जा रही है इस तरह। ये भी ऊपर से बिल्कुल सही शेप आ जाएगी इसकी। यहाँ से बस यहाँ तक मैं शीशे को उतारते हुए यहाँ से कट कर दूँगी, नहीं थी वो कैंची के बीच में आने वाला था इस तरह। अगर आप मशीन से लगाओगे तो ध्यान से लगाना, क्योंकि ध्यान ये होते ही सुई टूट जाती है हमारी। ये देखो हमारा शीशे की लैस लग के तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी और डेकोरेशन करनी है। तो देखो मैं ये प्लास्टिक के मेरे पास इस तरह डिजाइन फूल, अगर आपके पास जो भी हो इस तरह इसके ऊपर रखूँगी मैं इस तरह। फिर से हॉट ग्लू गन से आपको पेस्ट करके दिखा दूँगी। इसके अंदर जो स्टोन आपको लगाना है
एक स्टोन मेरे पास मल्टी कलर का है, एक ही रेड कलर का है। आपकी ड्रेस पे जो अच्छा लगे आप ये लगाना। तो मेरे पे मल्टी अच्छा लग रहा है, देखो मैं मल्टी लगाने वाली हूँ। तो मैंने देखो सभी ड्रेसों पर मल्टी कलर के शो लगा दिए हैं। तो आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।